अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फायरुख 100, ठीक है, इसका रिव्यू देता हूँ। ये पीसीबी एयरगन है, ठीक है। मैं हूँ आपके साथ इश्तियाक अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीसीबी एयरगन टेक्नीशियन। जो भी व्यूअर्स नए हैं वो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आपको पीसीबी एयर गन की तमाम इंफॉर्मेशन मिल सके। जी, ये हमारे पास है फायरुख 100, ठीक है, ये इसका नेम लिखा हुआ है, मैं दिखाता चलूँ। ये देखें, HW 100, जिसको हम 100 भी कहते हैं। फायरुख, उसका नंबर है 100, ठीक है। इसका जो है ये सिलेंडर है, देखा, ये एयर गेज है इसकी, ये पीसीपी एयर गन है। एक दूसरी होती है फायरुख स्प्रिंग वाली, ये स्प्रिंग वाली नहीं, ये पीसीपी एयर गन है, ठीक है। इसका जो है ये इसका बैरल है कंप्लीट। इसके बैरल की मैं आपको लेंथ दिखाता हूँ कितनी है। इसकी है 52 इसकी लेंथ है, ठीक है। आगे जो इसका सराउंड है, इसके सराउंड का साइज है, कंप्लीट सराउंड का साइज है 15, ठीक है, 15 इसके सराउंड का साइज है। जो आगे जिसको हम जो आवाज कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, ठीक है, 15 उसका साइज है, 15। जो इसका साइज है वो है 50, 50-52, ठीक है। ये इसका साइज है, इसका जो ये सिलेंडर है, इसका जो साइज है सिलेंडर 34, 34 साइज है सिलेंडर का, ठीक है। ये हमारे पास है 22 क्लेबर, ठीक है, 5.5, 22 क्लेबर को 5.5 कहते हैं, ठीक है। ये इसकी सेफ्टी है, ये इसका जो रीलोड करते हैं वो है, ठीक है। लेकिन इसकी जो सेफ्टी है, सेफ्टी का मैं आपको बताता चलूँ, आपने सेफ्टी के बारे में परेशानी होना, जब ये रीलोड होती है उस वक्त ये सेफ्टी यूज़ होती है। देखें, अभी सेफ्टी यूज़ नहीं हो रही, अभी हम इसको रीलोड करते हैं, देखें सेफ्टी इजीली यूज़ होगी। देखें, देखें अभी ये सेफ्टी इसकी यूज़ हुई है, ठीक है। अभी हमने ये रीलोड किया है, हम इसको शूट कर लेते हैं। ये इसका साउंड है, ठीक है। बाद में ये इसकी मैगजीन के लिए, मैगजीन को आगे पुश करने के लिए ये बटन है जो, ठीक है, ये लॉक, देखें ये ऐसे मैगजीन को आगे पुश करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो रेंज है 70-80 मीटर पे, 80 मीटर एग्जैक्ट इसकी बहुत अच्छी रेंज है। इसमें जो हवा इस्तेमाल होती है स्प्रिंग वाली नहीं है, ठीक है, इधर से ये खुलती है, ठीक है, ये इधर से खुलती है। इधर इसके दो पेच हैं, एक ये और कतो ये है, दो इसके पेच हैं। कतो ये दो इसके पेच हैं, ये एक ये और एक ये, ठीक है। मैं अभी आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, एलंकी से इसको खोलना। जिनके पास पीसीपी एयरगन है या कोई भी एयरगन है, उनके पास थोड़े टूल होने के चाहिए। टूल्स होंगे तो आप थोड़ा बहुत उसको घर में रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो पेच हमने खोली है, अलंकी टाइप का, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये इसका सिलेंडर है, देखें ये जो इसका सिलेंडर है ये इजीली ओपन हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करें, ये जो है, ठीक है, इसको आप सिलेंडर को खोल सकते हैं। अभी मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ, इसमें हवा है फिर भी आप इसको इजीली खोल सकते हैं। देखें इसको इधर से, ये मैंने टाइट ज़्यादा किया हुआ है, ये देखें थोड़ा लूज हुआ है अभी, देखें
ऐसा ही एक होता है इसका, ठीक है। इसमें तो थोड़ी सी हवा प्रेशर डालेगी, कोई बात नहीं, ऐसे ये खुल जाएगा। देखें इसके अंदर हवा है, ठीक है। ये सिलेंडर मैंने खोल लिया, इसके अंदर पिन होती है सेफ्टी, इसकी कोई बात नहीं, ठीक है। ये सिलेंडर हवा को अपने अंदर एडजस्टमेंट कर लेता है। इसके बाद ये इधर इसका रेगुलेटर होता है, इसके अंदर रेगुलेटर भी है। अगर रेगुलेटर लीक करे तो इधर से हवा आती है बाहर, ठीक है। ये जो पहला सुराख है, इधर से हवा लीक बाहर आती है, ठीक है। अगर ये इसका इधर से जो है हवा बाहर निकले शूट करते वक्त, इधर से हवा बाहर निकले, इसके अंदर भी रबड़ होती हैं, ओरिंग होती हैं, ठीक है। वो आपने चेंज करनी है, ठीक है। इसके बाद अगर इस आपने बैरल इसका खोलना है तो इधर ये देखें, ये एक पेच है, ठीक है। आपने ये पेच को खोल के बैरल बाहर निकाल लेना इसका, ठीक है। ये इसकी सेफ्टी है। ये हर जो एयर गन है, पीसीपी एयर गन, उसका ये मेन हिस्सा होता है उसका दिमाग, ठीक है। ये इस हर एयर गन का ये दिमाग होता है। ये इस एयर गन का फायरक 100 का ये जो है इतना हिस्सा, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपने इसका कोई भी इधर से ऑपरेशन नहीं करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट जो है ना इसका जो सेटिंग है, ठीक है। तो जो इसका एडजस्टमेंट है, इसका प्रेशर टाइट ज़्यादा करने के लिए ये दो पेच आपने देखे हैं, ये दो पेच हैं, इसको आपने खोलना है। दोनों पेचों को इसके अंदर एक अलंकी डाल के थोड़ा टाइट करते जाना है, वो गोल स्क्रू है, ठीक है। उसको गोल जो है ना बड़ा पेच है, उसको आपने थोड़ा टाइट कर देना है, ठीक है। बाद में आपने ये दो पेच लगा के दोबारा वापस करके रीलोड करके शूट करके देखना, ठीक है। इधर से इसका जो प्रेशर है वो तेज़ होता है, ठीक है। ये थी हमारे पास फायरक 100, ठीक है। ये मैंने आपको इसका रिव्यू दिया था। ये हमारे पास अभी इसका स्कोप लगा हुआ है, हमने रेडी करके रखी हुई थी, मैं समझा के, ठीक है। इसका थोड़ा रिव्यू देते हैं, ठीक है। और भी इस तरह की न्यू इंफॉर्मेशन के लिए या रिपेयरिंग के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो है सिलेंडर से हवा कैसे इसकी खारिज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी हवा है, आपको पता नहीं है कि ये कैसे खारिज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसकी हवा बाहर कैसे निकालते हैं। अस्सलामु अलैकुम।